देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में कट्टरपंथी जो हैं उनके हौसले बढ़ रहे हैं। लाहौर किले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी है। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को पहले भी दो बार तोड़ा जा चुका है। पुलिस ने इस मामले में रिजवान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे अनपढ़ लोग दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए खतरनाक हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर, जरा उनसे अपडेट लेते हैं इस पूरे मामले पर। आशीष, मुझे लगता है आशीष से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा आशीष से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच खबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति जो लाहौर में लगी हुई थी, लाहौर किले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी है। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को पहले भी दो मौकों पर तोड़ा जा चुका है। पुलिस ने इस मामले में रिजवान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है ऐसे अनपढ़ लोग दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए खतरनाक हैं। आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल रवाना। आशीष, ये जो महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी गई है, इसे लेकर भारत सरकार क्या पाकिस्तान से शिकायत दर्ज करवाएगा? पहले भी भारत सरकार ने पाकिस्तान से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी रोमाना, जब इसको दो दो बार रिनोवेट किया गया था। और ये पाकिस्तान का दोगलापन है, एक तरफ इंटीरियर मिनिस्टर इसकी भर्त्सना करते हैं और दूसरी तरफ अपनी सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स को पालते हैं जो इस तरह की हिम्मत करते हैं कि उसी रिजीम के रहते हुए दोबारा से मूर्ति लाहौर फोर्ट में तोड़ी जाती है। निश्चित तौर पर कार्रवाई की गई है, संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत सरकार इसको कड़े शब्दों में पाकिस्तान के सामने उठाएगी और ये सुनिश्चित करने को कहेगी कि आगे से माइनॉरिटी राइट्स को इंश्योर करने के लिए ये पाकिस्तान सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटना आगे से पेश ना आए। रोमाना, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।